এখন বিশেষ কুরআন পবিত্র কুরআনখন হাতেৰে লিখি উলিয়াই এজন যুবকে চাওক 500 মিটাৰ দীঘল এই কুরআনখন মুস্তাফা জামিল নামৰ 26 বছৰীয়া যুবকজনে কুরআনখন লিখিবলৈ কি কৰিবলগীয়া হৈছিল জানেনে পবিত্র কুরআনখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে সুন্দৰ হাতৰ আখৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল 3 মাহত সম্পূৰ্ণ কৰে কেলিগ্ৰাফীৰ কৃতিত্ব কুরআন লিখি অভিলেখ কৰা যুৱকে কুরআনৰ নামত খৰচ কৰে প্ৰায় 2.5 লাখ টকা যেহেতু কাশ্মীৰৰ মুকলি বজাৰত উপলব্ধ নাছিল কেলিগ্ৰাফীৰ কাকত সেয়ে 2 মাহ সময় লাগিছিল কেলিগ্ৰাফীৰ বাবে বিশেষ কাকত যোগাৰ কৰিবলৈ দিল্লীৰ এটা কাৰখানাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে কাকতখিনি লগতে বিশেষ চিয়াহীও কাশ্মীৰৰ বান্দিপুৰা জিলাৰ যুৱকজনে এই বিষয়ে কি কলে শুনো শুনা হওক अभी जितना बड़ा काम होता है उतनी सारी मुश्किलें इंसान को पेश आती है क्योंकि बड़े कामों में बड़ी मुश्किलें पेश आती है। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया तकरीबन 2021 की शुरुआत में अभी जितना बड़ा काम होता है उतनी सारी मुश्किलें इंसान को पेश आती है क्योंकि बड़े कामों में बड़ी मुश्किलें पेश आती है। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया तकरीबन 2021 की शुरुआत में मेरे जहन में यह ख्याल आया था लेकिन तकरीबन मुझे 6-7 महीने लगे इसका जो मटेरियल था वो मैंने काफ़ी जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया इधर श्रीनगर में क्योंकि ओपन मार्केट में इस तरीके का रोल फार्म में पेपर नहीं मिलता है। बाकी आर्ट पेपर जो है वो कश्मीर में मिलता है जो आर्टिस्ट के लिए लेकिन जो एक ही रोल में हो वो पेपर अरेंज नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा जहाँ मैंने इस पेपर को अरेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं मैंने इस मेरा नाम मुस्तफ़ा इब्न जमील है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में गुरेज के तिलेल इलाके से रहने वाला हूँ। मैंने हाल में ही एक प्रोजेक्ट जो है कुरान पाक का जो नुस्खा है तहरीर किया है 500 मीटर तवील जो है मैंने तकरीबन 2016 में ये काम शुरू किया था। अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए मैं कैलीग्राफी सीख रहा था लेकिन जब मैंने थोड़ी अपनी हैंड राइटिंग में सुधार देखी तो उसके बाद मैंने पहला कुरान पाक का जो नुस्खा है 2017 और 2018 के दरमियान 11 महीनों में मुकम्मल किया था जो तकरीबन 21 किलो वजनी था। लेकिन उसके बाद मैंने कई एक नुस्खे लिखे एक नसक में 2 नुस्खे लिखे और नस्तलीक में 1 नुस्खा लिखा। तकरीबन 3 नुस्खे लिखने के बाद मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मुझे अब इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहिए। ये पवित्र कुरानखनत 450 पृष्ठा आसे और प्रतिटो पृष्ठा 14.5 इंची बहुत। কুরআন লিখার বাবে জামিলর যে আগ্রহ আছিল সেই আবেগর প্রশংসা করে পরিয়ালেও আর যুবকজনক সমর্থন করে আহিছিল। জামিলর এই বিশেষ পদক্ষেপর বাবে চেন্নাইস্থিত লিঙ্কন বুক অফ রেকর্ডসে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।